हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास में जनता दरबार लगाया। इस दौरान जेपी दलाल ने अपने आवास में लोगों की समस्याएं सुनने के साथ साथ कई अहम मुद्दों को लेकर भी बयान दिया है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने निवास पर जनता की समस्याओं को सुना। जनता की समस्याओं को सुनने के साथ साथ जेपी दलाल ने कई और मुद्दों पर भी बातचीत की। हरियाणा के सीएम बदले जाने और मंत्रिमंडल में होने वाले बदलाव को लेकर उन्होंने बयान दिया। जेपी दलाल की माने तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा में फिर राज करेंगे। मतलब साफ है कि जेपी दलाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगले विधानसभा चुनाव में भी जीत का दावा किया है। बदला जाएगा, सबसे अच्छा काम किया है, गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं, जो सत्ता की मलाई खाते थे, बिचौलियों का काम करते थे, वो इस तरह की बात करते हैं। आम आदमी जो है ये चाहता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अभी भी रहे और अगली बार फिर चुन के आए। मंत्रिमंडल में भी बार बार बदलाव की बात, मंत्रिमंडल का विस्तार करना हमारी जो मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, हमारी पार्टी के ऊपर के जो नेता हैं उनका मामला है। वो जब चाहेंगे, जो उचित समझेंगे, और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है किसी भी कार्यकर्ता को, आपने देखा होगा गुजरात के अंदर कि 100% मंत्रिमंडल को बदल दिया। अब जहां एक और जेपी दलाल कई अफवाहों को लेकर बयान देते नजर आए और जनता की समस्याओं के समाधान की बात करते नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर जेपी दलाल ने प्रियंका गांधी के 7 प्रतिज्ञा यात्रा पर कहा कि कांग्रेस चुनाव से पहले जनता को लालच देने के लिए ऐसे वादे करती है। जेपी दलाल की माने तो कांग्रेस हर बार चुनाव से पहले झूठे वादे करती है। पूरा नहीं किया, अब भी चुनाव के वक्त ये कुछ न कुछ ललचाने वाले, आकर्षण वाले नारे देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस धरातल पर कहीं नहीं है। सभी लोग कहते हैं कि कांग्रेस पूरे देश में समाप्त हो रही है, उत्तर प्रदेश में तो इनकी सीटें ही नहीं आ रही है, और डूबता हुआ जहाज है, कांग्रेस में फूट है, ग्रुपों में बटी हुई है, भगदड़ मची हुई है। वहीं दूसरी ओर जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार गरीबों को ध्यान में रखते हुए काम करती है। जेपी दलाल ने कहा कि बीजेपी के शासन काल में नीतियों के अनुसार ही काम होता है। जगवीर घनगस, भिवानी खबरें अभी तक।